ये देखो, मैं ट्रेन के अंदर जा रही हूँ। जय हिंद दोस्तों, आप मेरे पीछे के लोकेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ पे आई हुई हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं दिल्ली के नेशनल रेल म्यूज़ियम में आई हुई हूँ और ये मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे आज आप कोविड के बाद भी इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और आप अगर दिल्ली में आते हैं घूमने के दृष्टिकोण से तो ज़रूर आप नेशनल रेल म्यूज़ियम आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ है, बड़ों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ है। और मुझे यहाँ पे, मैं काफ़ी लंबे समय से सोच रही थी कि मैं यहाँ पे रेल म्यूज़ियम में आऊँ, क्योंकि मैं दिल्ली में पिछले 4-5 सालों से रह रही थी और अभी तक मैं इस जगह को नहीं देखी हुई थी। तो मैंने सोचा मैं और आप साथ में देखते हैं दिल्ली का रेल म्यूज़ियम। आधे आधे घंटे में चलती है। अच्छा, ओके। 1 बजे से शायद लंच है, 1:30 बजे तक ही चलेगी। म्यूजियम जंक्शन समुद्र तल से 206.7 मीटर की ऊंचाई पे। ये कौन सी ट्रेन है? बड़ा खूबसूरत लग रहा है। दिल्ली से दरभंगा जा रहे हैं। ये कौन सी? बिल्कुल एक छुट्टी का है कि एक बित्ता का है?
हम लोग पहली बार दिल्ली से दरभंगा जाते हुए, वो भी पटरी के सहारे, रेलवे पटरी के सहारे, 1 इंच की पटरी के सहारे एक इंच की पटरी के सहारे, सही कहा तुमने। और देखिए आप वीडियो में बने रहिएगा कि हम लोग कब तक दिल्ली से दरभंगा ये 1 इंच की पटरी के सहारे पहुंच पाते हैं। और ये हम लोग एंट्री कर रहे हैं राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नेशनल रेल म्यूजियम। पीली रेखा को न पार करे, ये सब क्या ये है मेटल ट्रांसपोर्ट, प्राचीन भारत के परिवहन साधन। तो देखो इसमें दिखाया गया है जैसे हाथी से पहले यात्रा होती थी ना, हाथी है, बैलगाड़ी है, और ये पुरानी रेल है, पूरा ये चित्र के थ्रू समझाया गया है। ये है वुल्कन फॉली यूके द्वारा निर्मित हिमाचल में बेसिकली चलते हैं, हिमाचल नीलगिरी साउथ में दार्जिलिंग रेल धरोहर। ये भारतीय रेल का जो देश के स्वतंत्रता में जो योगदान है ये उसी का, तो महात्मा गांधी, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल न बने होने की वजह से भारतीय रेल यात्रियों व माल ढोने के लिए जहाज सेवा फेरी प्रदान करता है। अच्छा, Thank you.
ये भारतीय रेल टनल के अंदर में कैसे जाती है, कैसे काम करती है, ये उसका है। ये देखो मैं ट्रेन के अंदर जा रही हूँ। आप ये तुम्हें तुम्हारी फेवरेट सीट कौन सी है इसमें से? ये वाली है, ये वाली कोई भी सबसे फेवरेट ही है। सबसे बकवास सीट ये लगती है मुझे, सबसे बेस्ट ऊपर सामान रखो और सो जाओ। ये भी अच्छी सीट है लेकिन इस पर सारे पैसेंजर दिन भर बैठ जाते हैं, इसलिए मुझे ये अच्छी नहीं लगती है। सबसे बेस्ट ऊपर वाली सीट। जानी है तुमको ट्रेन के अंदर? चले जाओ एक बार। ये निखिल जा रहे हैं ट्रेन के अंदर। अच्छा निखिल जी ट्रेन से उतर रहे हैं। ये देखो दोस्तों मैं ट्रेन पे चढ़ रही हूँ। ये मैं चली ट्रेन के अंदर। वाह ये एसी है ना? हाँ ये राजधानी हुई, ये राजधानी, ये हमारी राजधानी है और राजधानी से मैं दिल्ली टू पटना जाऊंगी। अगले भी इसी ट्रेन से मैं निकल जाती हूँ। दिल्ली टू दिल्ली आ जाऊंगी तो नहीं, ये कौन सी ट्रेन है? ये एयर कंडीशन कोच ट्रेन है, ये भी एयर कंडीशन है और ये है बेंगलोर टू दिल्ली। नाम नदी पे ये जम्मू कश्मीर में जो है ना? हाँ तो मैं गई हुई, मैं वहाँ मैं एक्चुअली मुझे लगता है मैं ये ब्रिज बन चुकी है क्या? बन रही है। अच्छा मैं चिनाब नदी पे गई हुई हूँ, वहाँ पे छोटा सा एक है तो ये चिनाब ब्रिज का मॉडल है। आप देख सकते हो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है ये। हमारा बिहार किधर है? पटना और ये हमारा सिटी दरभंगा। ये कितना मजा आ रहा है यहाँ पे, वाह ट्रेन के अंदर में। इट्स अ शिप। अरे कुछ नहीं होगा, और चढ़ते हैं हम तो। झूले भी है, झूले मार देते हैं यार तुम बोर।
बित्ते की पटरी पे मैं वॉक करते हुए